हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटायर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेइंग पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। इनकी एनर्जी में ऐसा है ना कि मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके अगेन बार बार फील हो रहा है कि आपको देखना है, आपसे मिलना है, आपसे आपको गले लगाना है। जगह घूमिया थारे जैसा कोई नहीं वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। दुनिया देख ली लेकिन आप जैसा इंसान अभी तक मिला नहीं है। ये पॉसिबल भी नहीं है ना आपके लिए ना उनके लिए, क्योंकि ये कनेक्शन ही वैसे होते हैं जिस तरह से फीलिंग आ रही है इनको। इनको शायद ना पता हो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस होते क्या है क्या है, बट समाउ एक बात का रिलेशन तो ज़रूर है कि ये आपके साथ जो फील करते हैं, खुश रहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग, एक एक्सेप्टेंस। यहाँ पे अगेन ट्विन फ्लेम और सोलमेट, कुछ लोकल ट्विन फ्लेम है क्योंकि दो जोड़ी में सब है और यूनियन पक्का है। किसी भी तरह से ये इंसान आपसे जुड़ने की कोशिश में है और पॉजिटिवली आपसे रिक्वेस्ट है कि ना ये जब भी आ रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं ना, प्लीज़ आप पुरानी बातें लेके मत बैठ जाइए कि जैसे पुराने ये क्यों कहा वो क्यों हुआ वगैरह। एटलीस्ट ना ट्राई टू क्रिएट, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें क्रिएट करें। अगेन कितना रिश्ता आगे लेके जाना है ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं सजेशन देना चाहूँगी कि कम से कम ना गुस्से में बात करना या फिर पुरानी कोई बात लेके पहले ही बैठ जाना। पहले इस इंसान को ना थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप में खुलने का, थोड़ा बात करने का, और उसके बाद आप अपनी बात रखना शुरू कीजिए। जैसे कोई पुरानी जो अनबन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आपको जो चाहिए कमिटमेंट का इश्यू वगैरह जो भी है उससे बात करना है। क्योंकि जैसे ही मैंने फील किया ना कि आप कुछ ऐसे बात कर सकते हैं, इस बात का उनको डर है कि आपसे बात करने को ही डर लग रहा है। इच्छा बहुत सारी है लेकिन ऐसे पहले की तरह नहीं लग रहा है कि जैसे ये आते ही आपको मना लेंगे या फिर आपको रिझा लेंगे, ऐसी एनर्जी नहीं लग रही। मतलब ऐसा लगता है ना कि आपके ऊपर जो कंट्रोल था, एक हक था, कंट्रोल नहीं हक था कि जैसे आप समझ ही जाएंगे, वो एनर्जी नहीं फील हो रही है। इनको ऐसा लगता है ना कि अभी ये रिश्ते में ना जो जो एक डिज़ायर है, जो मैग्नेटिक पुल है, सिर्फ इनको ही फील हो रहा है। आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपको वैसा फील नहीं होता, या पता नहीं, मतलब आपको फील भी होता है लेकिन अभी आप बदल गए हो। शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और है, शायद अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा रास्ता चुना है, इनके अलावा कुछ चुना है, ये फील हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा ना उस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सहमे हुए हैं। आपको रूठे हैं ना तो मनाने की कोशिश में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द आपके पास जाना चाहिए, कुछ है जो खोना नहीं चाहिए। मतलब स्केयर्ड ऑफ लूजिंग वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे आपको खोने का डर लग रहा है। इन्हें पता है कि ये कुछ दे नहीं सकते, इन्हें पता है कि जो आपके लिए जो सही है वही आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए शायद इन्होंने ही कहा होगा कि आप अपनी रास्ते देख लो, आप अपनी सोच देख लो, लेकिन फिर भी इन्हें ना
वो जो सोच होती है ना वो अचानक से ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है कि आप किसी और के हो जाएंगे एनर्जेटिकली, सही आप किसी और के हो जाएंगे ना, ये बात उनको ना बहुत ज़्यादा अंदर से अंदर खा लेती है सनी से। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपसे बहुत प्यार बहुत मतलब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये इंसान कभी इस बात को समझ नहीं पाया ना बता पाया ना मतलब ये इंसान जो भी मेल फीमेल है ना इस फीलिंग्स को ना कभी बता ही नहीं पाया। ठीक, जैसे मैंने प्यार की बात की, ये फ्लेम जिस तरह से भड़की है ना, डेफिनेटली ये बहुत प्यार करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली बता नहीं पाए। इनकी फ़िलहाल की नाचे में ना आप रिलेटेड कोई मेमोरीज चल रही है, मेमोरीज कुछ पुरानी यादें हैं जो बहुत खूबसूरत वाली यादें हैं, ऐसी बहुत खूबसूरत वाली यादें हैं ना वो बहुत ज़्यादा उनको याद आ रही है। जैसे एक बारिश की टाइम है, पहली बार जब आप मिले थे, बारिश में आप साथ में घूमे थे, अगेन आइसक्रीम खाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा, साथ में आइसक्रीम खाई थी, एक पर्टिकुलर प्लेस पे कॉफ़ी है, वो चीज़ है, कॉफ़ी या चाय है, तो वो चीज़ मतलब एक इतना अच्छे से याद आ रहा है ना उनको हर चीज़, जो स्पेशली वो मेमोरीज उनको ना बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है, बहुत खुशी दे रही है। वो पल आप जैसे जिस तरह से दिख रहे थे, आप जिस तरह से बात करें, आप भी खुश थे और आपकी आँखों में आपकी बातों में वो एक अंदाज था, हर चीज़ वो उनको ना इतना जैसे कि वो चीज़ सामने दिख रही है, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना वैसे दिख रही है ना, ये बहुत खुश हो रहे हैं इस बात से। तभी तो इनको लगता है ना कि ये जो चीज़ है ना ये बहुत खास है, ये रिश्ता ये पर्सन बहुत खास है, बहुत खास है, इसको खोया नहीं जा सकता, खोया नहीं जा सकता। इनको रियलाइजेशन तो है, इनको रियलाइजेशन तो है कि इन्होंने ही चीज़ें ख़राब की हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए थी। कितनी सारी चीज़ें हैं जो इन्हें करनी नहीं चाहिए थी या फिर करनी चाहिए थी, कुछ जगह पे आपका साथ देना चाहिए था, किसी को जो इतना इम्पोर्टेंस दे रहा था तो आपको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए था अपने तरीके से अपने हिसाब से, लेकिन वो नहीं दिया है ना, तो अभी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि नहीं ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे जिस तरह से एनर्जी है ना 11 11 एंजल नंबर दिख रहा है, मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्ट जिस तरह से इंसान आपको ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करे ना, डिज़ायर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। मैं तेरा बन जाऊंगा, साथ छोड़ूंगा ना समथिंग, जैसे गाना फील हो रहा है अचानक से, मैं तेरा बन जाऊंगा, दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा या धड़काऊंगी, ये ऐसे थॉट प्रोसेस में ना भले अगर ये इनसे कुछ नहीं हो पाया कि जैसे कुछ चीज़ें पीछे छोड़ना तोड़ना इनके लिए आसान नहीं है, कुछ रिश्ते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि ना ये आपके बिना भी अधूरे हैं, आपके बिना भी अधूरे हैं, और ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं है ना तो फिर लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ये दूर से आपको तो आपकी तरफ देख रहे हैं ना किसी उम्मीद से कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट एक चीज़ भी है कि जैसे ना आपके पास आने के लिए इसलिए भी डर है कि आप ना हर्ट नहीं करना चाहते, अभी हर्ट नहीं करना चाहते, आपको दुख नहीं देना चाहते, आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, जो तकलीफ़ इन्होंने बार बार आपको दी है वो तकलीफ़ बार बार नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते वो तकलीफ़ बार बार आपको। एक डॉल्फिन की एनर्जी है और ड्रीम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये इमेजिनेशन या ड्रीम्स में आपको बहुत बार देख रहे हैं और आपको भी इनके ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर एनर्जी के फील हो रहा है कि ये ना चाहते हैं कि आप आसपास हो, चाहते हैं,
और इनकी एनर्जी में भी चेंज है, मतलब आप खुद फील कर सकते हैं कि एनर्जी में चेंज है इनकी, बहुत ज़्यादा चेंज है। पहले के जैसा ना एरोगेंट और मतलब वैसे ना कि जिस आ लिए बैठ लिए बात कर लिए, वैसा नहीं है, एक सीरियसनेस तो है डेफिनेटली। लोगों ने आसपास के और हालातों ने बहुत कुछ सिखाया है, इनफैक्ट बदला है। सच कहो ना तो इस एनर्जी में ऐसे है ना कि स्पेशली अगर थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपका रिश्ता खराब हुआ था या टूट रहा था या दूर हो गए थे आप, जो भी है, तो उस थर्ड पार्टी की एनर्जी में बहुत ज़्यादा बड़ा शिफ्ट है। अचानक से सब कुछ अच्छा अच्छा जो चल रहा था ना वो खराब हो सकता है, क्योंकि वो खराब होना जो कहते हैं ना, अचानक से नहीं हुआ है, कोई बिजली एक अचानक से नहीं गिरी, कुछ बिजली नहीं गिरी है। वो जो टावर था ना, टावर जो उनके सो कॉल्ड जो भी प्यार है, ये है वो है, जो भी बात बोल रहे थे उसके पर बना था कि दिखने में अच्छे है, फाइनेंशियली अच्छे है, सब कुछ अच्छा है, जो भी है, फैमिली भी सपोर्ट है, तो जो टावर बना था ना वो मजबूत नहीं था, मजबूत नहीं था, बस एक कर्मा था जो उनको एक दूसरे का निभाना था। तो अभी जब सिचुएशन बदल रही है ना तो वो टावर गिर रहा है, ये अचानक से नहीं हो रहा है, ये हो रहा था धीरे धीरे से, वो टावर कमज़ोर होते जा रहा था, बस वो खुद नहीं एक दूसरे को समझ पा रहे कि आखिर ये चल क्या रहा है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना एक झुकाव है ना वो अलग है, मतलब अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना वो अपने आप ही रिलीज़ हो रही है, अपने आप ही हो रही है, या तो पर्सन रिलीज़ करे या तो थर्ड पार्टी रिलीज़ करे, बट ये चीज़ें जो बननी थी ना वो बन गई थी, लेकिन अभी दूर हो रही है ना, वो दूर हो रही है, और ये ना आपकी तरफ आने की इच्छा में ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें आपकी तरफ एक होप दिखता है, एक हीलिंग दिखती है, इनकी जो सोच है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है, और ऐसा लगता है ना कि ये जो टावर सिचुएशन इन्होंने फेस किया या कर्मा इन्होंने फेस किया, तब रियलाइज़ हुआ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन होना चाहिए लाइफ में क्या नहीं, क्योंकि इस वक्त इस हालात में है थ्री ऑफ सॉल्ड। इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस और दुख में, लेकिन जब भी ये आँख के बारे में सोचता है तो फिर ज़्यादा ही होपफुल हो जाता है कि जिस लाइफ में और भी कुछ है, पॉसिबल है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो जो उनकी फैमिली हो सकते हैं, कि पेरेंट्स फैमिली मदर जो भी है मान नहीं रही है, मदर फादर जो भी है मान नहीं रहे, या तो पर्सन मैरिड है, कमिटमेंट का इशू, स्पेशली शादी के लिए कमिटमेंट का इशू हो सकता है। तो नई शुरुआत की इच्छा बहुत ज़्यादा, और आपके लिए अट्रैक्शन एक मैग्नेटिक पुल है ना, इमोशनली फिजिकली हर जगह से, लाइक ना कि अगेन परफेक्ट लग रहा है आप उनको, जैसे कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आप परफेक्ट हो, उनके लिए परफेक्ट हो, जैसे इंसान उनकी ज़िंदगी में ज़रूरी है हर तरीके से, प्यार से, इमोशन से, प्रैक्टिकल वे से, हर चीज़ से, वो आप ही हो सकते हो ऐसा फील है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर्सनल लिंक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।